छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही के तत्वाधान में डीजल पेट्रोल के दामों पर हो रहे बेतहाशा वृद्धि के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थानीय मरवाही बस स्टैंड में किया गया। वक्ताओं ने केंद्र में बैठी भाजपा मोदी की सरकार को देश विरोधी बताते हुए कहा है कि यह सरकार केवल भाषण देना जानती है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का $17 प्रति बैलर है, उस आधार पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में भारी गिरावट होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही के कारण आज भारत के लोगों को महंगे डीजल पेट्रोल लेने पड़ रहे हैं। वर्तमान दिनों में देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, भारत किसानों का देश है, इधर महंगे डीजल के चलते कृषक अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के उपरांत समस्त कांग्रेस जन रैली बनाकर पैदल एवं साइकिल चलकर मरवाही बस स्टैंड से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार मरवाही को ज्ञापन सौंपा गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।